कालू नाम का एक कौवा अंडे बेचने वाला रहता था। कालू और उसकी पत्नी टुनटुनी रोज सुबह जल्दी उठकर मुर्गियों के बड़े से अंडे इकट्ठे करते, फिर कालू अंडों की टोकरी साइकिल के पीछे बांध कर बेचने के लिए निकल जाता। अंडे ले लो, अंडे ताजा ताजा अंडे ले लो, अंडे ले लो, देसी मुर्गी के अंडे, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, अंडे वाला आया है, अंडे ले लो अंडे। पूरे गांव में एक अकेला अंडे बेचने वाला था, इसलिए उसकी अच्छी कमाई होती थी। कालू और टुनटुनी के जीवन में एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों इस बात से बहुत परेशान रहते थे। एक दिन जब वो खाने के लिए जंगल में गई तो उसे बहुत बड़े दो अंडे दिखाई दिए। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 67 प्लस 56 कितने होते हैं। अरे इतने बड़े अंडे, ये किसके अंडे हैं? लगता है ये किसी बहुत बड़े मुर्गी ने दिए होंगे। कालू अंडों को अपने घर लेकर आता है। ये देखकर कालू की पत्नी टुनटुनी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। अरे इतनी बड़ी अंडे कहाँ से उठा लाए आप, कहाँ मिल गई है आपको? अचानक अंडे चटकने लगते हैं। एक अंडे में से एक चिड़ा और दूसरे अंडे में से एक चिड़िया बाहर निकलती है। अम्मा बाबू, इतने दिनों से अंडों के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी, आखिरकार हम आ ही गए अंडे से बाहर निकल गए। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये दोनों तुम्हें अम्मा और मुझे बापू क्यों कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इनके चेहरे तो देखो कितने अजीब हैं। कालू ये सारी बात जाकर गांव के साधु बाबा को बताता है। कालू बेटा, लगता है तुम्हें भूत या चिड़िया की आत्मा के अंडे मिल गए हैं। अंडे में से निकलने पर उनकी पहली नजर जिस पर पड़ी है उसे ही माता पिता मान लेते हैं, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं वो भूत या चिड़िया की आत्मा जिसके अंडे तुम ले आए हो तुम्हारा पीछा ना कर रही हो। लेकिन दो तीन महीने बीत गए, वो भूतिया चिड़िया की आत्मा नहीं आई। फिर टुनटुनियों कालू उन बच्चों को पालने लगे। फिर कुछ दिनों बाद भूतिया चिड़िया की आत्मा अपने घर वापस आई। अरे मेरी अंडे कौन ले गया, मेरी अंडे कहाँ चले गए? जरूर कोई पक्षी यहाँ आया होगा और उसने मेरे अंडे चुरा लिए होंगे। जिसने भी मेरे अंडे चुराए हैं उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो एक सुंदर चिड़िया का रूप धारण करती है और गांव में अपने बच्चों को ढूंढने जाती है। भैया, पिछले कुछ दिनों में कोई पक्षी यहाँ पर बड़े बड़े अंडे लेकर आया था क्या? हाँ कालू, अंडे वाले को कहीं पर बहुत बड़े बड़े अंडे मिले थे, अब उन दोनों में से बच्चे भी निकल चुके हैं। ये सुनकर पोतिया टुनी चिड़िया की आत्मा कालू के घर पहुँच कर टुनटुनी पर हमला कर देती है। बोल मेरे बच्चे कहाँ है, तूने उन्हें अगवा कर लिया ना? सीधे तरीके से मेरे बच्चे मुझे लौटा दे, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं अपने बच्चे को लेने आई हूँ। तभी भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा के बच्चे कहते हैं, छोड़ दो हमारे मम्मी को, हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे, हम उनके साथ ही रहेंगे। हाँ भूतिया चिड़िया की आत्मा, हमारे बच्चों को कहीं मत लेकर जाओ। हमने तुम्हारे अंडे चुराए नहीं थे, वो कालू जी को जंगल में पड़े मिले थे और हमारी भी कोई संतान नहीं। लेकिन जब से ये बच्चे हमारे घर आए हैं हमारी हर परेशानी दूर हो गई। ये सुनकर भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा बहुत भावुक हो जाती है। ठीक है, मैं इन बच्चों को कहीं नहीं लेकर जाऊंगी, क्योंकि मेरी खुशी बच्चों की खुशी में ही है। ये कहकर भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और वो भूतिया बच्चे टुनटुनियों कालू के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में बांस का ढाबा था जो रात के समय में ही खुलता था। वहाँ से आने जाने वाले रात के हर राही को वहाँ से खाना मिलता था। ढाबे को चलाने वाली टुनी नाम की एक चिड़िया सभी को बड़े ही सस्ते दामों में खाना खिलाया करती थी। इससे आने जाने वाले हर राही को उससे बड़ी ही खुशी मिलती थी। अरे बहन, तुम तो बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो, क्या राज है इसका? बस कुछ नहीं, माँ ने सिखाया है सब कुछ। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 74 डिवाइडेड बाय 2 कितने होते हैं।
ऐसे ही रोज रात की तरह टोनी चिड़िया अपने ढाबे पर काम कर रही थी कि तभी वहाँ दो ट्रक वालों के बीच बहुत तेज लड़ाई होने लगी। वहाँ से काफी शोर आने लगा। ये देखकर टोनी भी वहाँ पहुँच गई। इतनी भीड़ को इकट्ठा देखकर टोनी काफी डर गई। तभी उनमें से एक ने अपने पास रखी गन निकाल ली। ये देखकर आसपास के सभी पक्षी इधर उधर भागने लगे। टोनी भी डर के मारे वहाँ से भागने लगी। तभी हवा में गोली चली, वो आकर सीधा टोनी को लगी। वो वहीं जमीन पर गिर गई। जब उसकी आँख खुली तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। टोनी के उस जानलेवा हमले से जान बच चुकी थी। कुछ ही दिन में टोनी वहाँ से डिस्चार्ज हो गई और वो फिर से अपने पास के ढाबे में काम करने लगी। टोनी का ढाबा खुला देख पक्षी फिर से वहाँ आने लगे। एक दिन वहाँ वही पक्षी आया जो टोनी की गोली लगने वाले दिन आया था। अरे टोनी बहन, तुम जिंदा हो? हाँ, वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, पर आप इतनी सोच में क्यों पड़ गए? सभी कह रहे थे कि आप मर चुकी हो। हाँ, मुझे गोली लगी थी तो शायद इसलिए सभी को यही लगा होगा कि मैं मर गई हूँ। पर कुछ तो ये भी कह रहे थे कि आपके शरीर को जला दिया गया है। अरे सब पागल हो गए हैं क्या? मैं यहाँ जिंदा तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मुझे देखकर तुम्हें नहीं लग रहा है कि अब तक कही और सारी बातें अफवाह ही थी? दरअसल वो झूठ नहीं कह रहा था और ना ही ये कोई अफवाह थी। असल में टूनिया मर चुकी थी और उसे इस बारे में पता नहीं था। वहीं जिस हॉस्पिटल में टूनी का इलाज चल रहा था वो भूतिया चिड़िया की आत्मा का अस्पताल था। लेकिन अपनी मौत को ना मानने की वजह से टूनी को वहाँ सभी पक्षी दिखाई दे रहे थे। उसकी बात सुनकर वो पक्षी वहाँ से जा चुका था, जिसके बाद ढाबे पर कई पक्षी खाना खाने के लिए आए। खाना खाते ही सबने उल्टियाँ करना शुरू कर दिया। अरे ये कितना बेकार खाना है टोनी बहन, तुमने खाना चक्कर बनाना बंद कर दिया है क्या? अरे मैंने तो खाना टेस्ट करके ही बनाया था। फिर वो सभी उठकर वहाँ से चले गए। किसी को भी टोनी का खाना पसंद नहीं आया। टोनी अब पोती और चिड़िया की आत्मा बन चुकी थी, इसलिए उसे अब खाने के टेस्ट के बारे में भी पता नहीं था। जब से उस हॉस्पिटल से आई हूँ तब से कुछ ना कुछ अजीब ही हो रहा है। तभी एक चिड़िया की चीखने की आवाज़ आने लगी। कोई बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। वो अपने पास के ढाबे से बाहर की तरफ निकली। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन चीखती हुई आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी कि तभी उसने देखा कि एक चिड़िया भागते हुए आ रही थी और उसके पीछे दो गुंडे भी थे जो चिड़िया का पीछा कर रहे थे। तभी उसने कहा, देख इस चिड़िया को छोड़ दे वरना बहुत बुरा हाल करूंगी मैं तेरा। ये सुनकर गुंडे पीछे नहीं हटे और वो टोनी पर हंसने लगे। तभी टोनी गुस्से से लाल होने लगी और जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ रहा था वो वैसे वैसे एक भूतिया चिड़िया की आत्मा में बदलती जा रही थी। ये देखकर गुंडों की हवा टाइट होने लगी थी। वहीं पीछे खड़े टुनटुनी चिड़िया भी अब डरने लगी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना। ये कहकर भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा उन गुंडों को हवा में उड़ाकर खूब मारती है। वो डर के वहाँ से भाग जाते हैं। मैं अब मान चुकी हूँ कि मैं अब पक्षी नहीं बल्कि भूतिया चिड़िया की आत्मा हूँ। अब मुझे वापस जाना ही होगा। अब मुझे मानना ही पड़ेगा कि मैं मर चुकी हूँ। कब तक अपनी असलियत से भागती रहूँगी? मेरी जगह यहाँ नहीं, मेरी जगह कहीं और है, लेकिन मैं जरूर आऊँगी अपने कातिलों से बदला लेने के लिए। ऐसा कहकर भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन फिर से वापस लौटने के वादे के साथ। सुबह की 4 बजे थी। रोज की तरह कालू कौआ और हरी तोता दोनों स्पोर्ट्समैन जॉगिंग करने के लिए पार्क में जाते हैं। भाई हरी, ठंड के दिनों में सुबह ऐसे अकेले ही जॉगिंग करने का मजा ही कुछ अलग है ना? बिल्कुल, जब भी ये ठंडी हवा चेहरे से टकराती है ना, ऐसा लगता है कि कुछ कह रही है। तुम स्पोर्ट्समैन कैसे बन गए भाई, तुम्हें तो कभी होना चाहिए था। तभी वहाँ पर एक चिड़िया शादी के जोड़े में तैयार खड़ी थी। ये देखकर कालू बोलता है, अरे यार देखो इस तरह तैयार होकर कौन आता है जॉगिंग पर, वो भी इतनी सुबह सुबह, क्या करना चाहती है ये चिड़िया। ये कहकर वो दोनों उस चिड़िया के पास से गुजर जाते हैं। ओह माय गॉड, देखा उस चिड़िया के चेहरे को, कितना अजीब और डरावना था।
चिड़िया ही है या कुछ और? यार मुझे डर लग रहा है। चुप रहे और भागता रहे, सुबह होने वाली है। ये कहकर वो दोनों फिर से पार्क में जॉगिंग करने लगते हैं, लेकिन अब भी वो चिड़िया वहाँ पर खड़ी थी। धीरे धीरे वो उनके पास आ रही थी। ये क्या कह रही है? ये हमें बुला क्यों रही है? बुला नहीं रही, ये तो हमारे पास ही आ रही है। नहीं नहीं। तभी वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा तेजी से उनके पास आ जाती है और उन्हें पकड़कर हवा में उड़ाने लगती है। वो दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। भूतिया चिड़िया की आत्मा, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बहन? हम तो बस सुबह रोज यहाँ जॉगिंग करने आते हैं। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी, अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगी। ये मेरा भूतिया पार्क है, इसमें तुमने आने की कोशिश कैसे की? तुम सब पक्षी खूनी हो खूनी, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी हरी तोता मंत्र पढ़ने लगता है। उसकी आवाज सुनकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कमजोर हो जाती है और उन्हें छोड़ देती है। बंद कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुक जा, मैं कहती हूँ रुक जा, मेरा शरीर जल रहा है। ये कहते हुए वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाती है और जलकर राख हो जाती है। इतने में सुबह हो जाती है। फिर कालू हरी तोता जल्दी से भूतिया पार्क से भाग जाते हैं और एक चाय की दुकान पर राहत की सांस लेते हैं। तभी कालू कौआ न्यूज़पेपर देखता है। देख हरी, ये तो वही चिड़िया है ना? आज सुबह जॉगिंग पार्क में एक मध्यम आयु की चिड़िया का मरा हुआ शरीर पाया गया। मृतक का नाम टूनी चिड़िया है। शादी की रात ही उसके पति ने उसे जान से मार दिया। पुलिस ने उसके पति बंटी कबूतर को उसे मारने के जुर्म में हिरासत में ले लिया है। अब समझ में आया, वो चिड़िया नहीं थी यार। आज सुबह जिससे हम मिले वो टूनी चिड़िया की आत्मा थी। कल से उस भूतिया पार्क में जाना बंद। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और दोबारा कोई भी पक्षी उस भूतिया पार्क में नहीं जाता।